बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने का संदेश देते हैं, लेकिन ये शब्द अस्पताल में रोती हुई इस मासूम के आगे शायद कोई मायने नहीं रखते। एक अप्रैल को मथुरा शहर कोतवाली इलाके में स्थित ब्रज नर्सिंग होम में देर रात एक दंपत्ति आए, जहां महिला के साथ आए पति ने डॉक्टर से पत्नी की डिलीवरी करने के लिए कहा। महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। डॉक्टर ने तत्काल महिला को भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया। इसी दौरान रात करीब 12 बजे महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। सकुशल हुई मासूम और उसकी माँ को रूम में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर चले गए, लेकिन 2 अप्रैल की सुबह जब मासूम बेटी के रोने की आवाज अस्पताल के स्टाफ ने सुनी तो वे मासूम के पास पहुंचे। वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस मासूम के माँ बाप का कहीं अता पता नहीं था। इसके बाद डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ ने पूरे दिन बच्ची को जन्म देने वाली माँ और उसके पिता का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। इस बीच कृष्णा नगर निवासी निसंतान दंपत्ति विजय अग्रवाल द्वारा डॉक्टर अवधेश से इस बच्ची को गोद लेने की इच्छा जाहिर की गई। निसंतान दंपत्ति के परिचित होने के चलते डॉक्टर अवधेश द्वारा इस बच्ची को अग्रवाल दंपत्ति के सुपुर्द कर दिया गया। अग्रवाल दंपत्ति भी इस बच्ची को पाकर खुश थे, लेकिन 3 घंटे बाद डॉक्टर अवधेश का फोन विजय अग्रवाल के पास आया। उन्होंने कहा कि बच्ची के परिवार वाले बच्ची को छोड़ने के इच्छुक नहीं हैं और उसे छोड़ने की एवज में 25,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस पर विजय अग्रवाल ने अपनी सहमति जता दी और 3 घंटे बाद इस मासूम को लेकर पुनः अस्पताल पहुंचे, ताकि 25,000 रुपए देने के बाद वे बच्ची के घर वालों से लिखा पढ़ी करा सकें। लेकिन अस्पताल पहुँचने पर पाया कि वहाँ कोई नहीं था। उससे पूर्व चिकित्सक द्वारा ये बच्ची हॉस्पिटल के स्टाफ के मनोज नामक व्यक्ति की बताई गई थी। जब विजय अग्रवाल ने बच्ची को लेकर अपना आक्रोश जताया तो अवधेश अग्रवाल ने ये कहा कि बच्ची के माता पिता कोतवाली में हैं और सीओ सिटी से कोतवाली में इस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। जब विजय अग्रवाल और उनके परिजन कोतवाली पहुँचे तो उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आया। विजय अग्रवाल और उनके परिजनों को समझते देर न लगी कि अब बच्चे की आड़ में सौदेबाजी की जा रही है। विजय अग्रवाल और उनके परिजनों के कोतवाली पहुंचने की खबर डॉक्टर को भी लग गई, लिहाजा पोल खुलते देखकर चिकित्सक द्वारा उसी समय कोतवाली में बच्ची को लेकर एक तहरीर भिजवाई गई। इस संदर्भ में निसंतान दंपत्ति विजय अग्रवाल के बड़े भाई जगतपाल अग्रवाल ने डॉक्टर अवधेश अग्रवाल और उनके हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए। बच्ची को छोड़ने जाने का मामला था, उस बच्ची को आपके भाई, छोटे भाई हैं, उनके द्वारा गोद लिए जाने का मामला था, उसको क्या कुछ डिमांड की गई थी आप लोगों से? जैसा कि 2 अप्रैल को हमें पता लगा कि ब्रिज नर्सिंग होम में एक दंपत्ति नवजात शिशु को छोड़कर लावर बच्ची में छोड़कर चले गए, हमने डॉक्टर अवधेश अग्रवाल से संपर्क किया 2 अप्रैल को 11 बजे दोपहर को, और उनसे कहा कि अगर इसका कोई बारिश नहीं है तो हम इसको अपनाने को तैयार हैं। सरकार बेटी बचाओ को नारा देती है, उसी बात को ध्यान में रखकर हमने जो कदम उठाया और हमारे परिवार में जरूरत भी थी, मेरे छोटे भाई पर कोई संतान नहीं है। क्या नाम है छोटे भाई का? विजय अग्रवाल। अच्छा। डॉक्टर से हमने अपना प्रस्ताव डॉक्टर के सामने रखा, उन्होंने कहा कि ये जो बच्ची हुई है ये मेरे स्टाफ कर्मी मनु के रिश्तेदार की है, मैं उससे आखिरी बार पूछ लेता हूँ फ़ोन करके कि वो रखना चाहते हैं कि नहीं।
डॉक्टर साहब ने एक घंटे बाद हमको फाइनली जवाब दिया कि वह परिवार बच्ची को रखने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बच्ची किसी को भी दे दी जाए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमको बच्ची हैंड ओवर कर दी। हमने बच्ची का मेडिकल करा कर उसका परवरिश चालू कर दी। बच्ची रहने के बाद हमने डॉक्टर साहब आपके अस्पताल का जो खर्चा हुआ हो बताओ डिलीवरी क्या आपको पे करना होगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो परिवार 25,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर ठीक है हम शाम को लिखा पढ़ी करा के आपको कैसे हैंड कर लेंगे। लगभग शाम को 6 बजे डॉक्टर का फ़ोन आता है तो उसके माता पिता आ गए हैं और वो जो कह रहे हैं कि बच्ची को वापस मंगा लीजिए। अभी हमारा डिसीजन नहीं हुआ है कि बच्ची रखेंगे कि नहीं। उनके फ़ोन आने के बाद हमने बच्ची ले जाके नर्सिंग होम के स्टाफ को दे दी। डॉक्टर साहब घर के ऊपर थे डॉक्टर नीचे नहीं आए। इस बात को लेकर हमारे अंदर आक्रोश भी था कि डॉक्टर साहब ने हमारी भावनाओं के साथ व्यवहार किया है। पहले बच्ची दे दी फिर वापस मंगाई। और सौदेबाजी सौदेबाजी हमें शंका है कि कहीं उनको कुछ ज़्यादा ग्राहक पैसे का ग्राहक न मिल गया है। उससे इस बात पर जो हम माँ बाप मौजूद नहीं थे बच्ची के और डॉक्टर साहब ने बच्ची को मंगा लिया। हमने डॉक्टर साहब को ऊपर घर पर कॉल करके बताया उन्होंने कहा बच्ची आप घर जाइए नीचे स्टाफ को ले जाइए और उनके माँ बाप का जो फैसला हो जाएगा उसके बाद मैं आपको 2 घंटे बाद सूचित कर बुला लूँ। रात को 8 बजे फिर हम डॉक्टर साहब से संपर्क करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि जो बच्ची की माँ है वो तो रखना चाहती है बाप नहीं रखना चाहता। लिहाजा इन समय में विवाद चल रहा है मायके वाले और ससुराल पक्ष दोनों लोग आ चुके हैं। COCD की मीटिंग चल रही है अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आप लोग घर जाइए जैसा होगा मैं आपको बुला लूँ। हम डॉक्टर साहब यहाँ से सीधे कोतवाली पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं वहाँ कोई बातचीत नहीं हो रही है किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं है वहाँ कोई मौजूद नहीं था। पता चला कि डॉक्टर साहब ने एक तहरीर उसी समय लेकर भेजी हमारे सामने अपने स्टाफ के माध्यम से जिसमें लिखा गया था कि मेरे यहाँ मरीज भर्ती हुआ 11:40 पर डिलीवरी हुई सुबह 5 बजे वो छोड़ कर लापरवाही स्थिति में चला गया बच्ची मेरे अस्पताल में मौजूद है। सबसे बड़ा बिंदु उस बात का है कि सरकार के निर्देश के अनुसार गर्भवती महिला को भर्ती करने से पहले उसका कोविड परिचय पत्र लगाना आवश्यक है। डिलीवरी करने से पहले अल्ट्रासाउंड डॉक्टर में किया होगा उसमें भी फॉर्म है लगाया जाता है उसमें भी आधार कार्ड या कोई भी पत्र लगता है। तो डॉक्टर साहब ये कैसे कह सकते हैं कि उस परिवार का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है या उसका फ़ोन नंबर नहीं मिल पा रहा है। आजकल आधार कार्ड का नंबर डाली सबको पूरा डिटेल निकल के आ जाती है। दूसरा सवाल कि क्या अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी बदतर स्थिति में है कि कोई भी मरीज निकल के चला जाएगा। क्या ये संभव है कि डॉक्टरों के चंगुल से कोई भी मरीज बिना पैसे दूर निकल जाएगा। आज डॉक्टरों के बारे में आम राय यह है कि वो लाख पर से भी पैसा वसूल लेते हैं। इस डॉक्टर साहब की सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता। डॉक्टर साहब का कहना है हमारी बातचीत डॉक्टर साहब का कहना यह था कि अब हम लोगों ने बच्ची को जो है बाल शिशु सदन के हवाले कर दिया है राज्य के बाल शिशु सदन के हवाले। तो क्या मानेंगे डॉक्टर साहब ने अपना पल्ला झाड़ा। हाँ डॉक्टर साहब ने पल्ला इसलिए झाड़ा कि चूँकि हम लोगों ने वहाँ कुछ डॉक्टर साहब के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया था। डॉक्टर साहब को लगा था कि अब मैं अगर किसी दूसरे को जो बच्ची बेचूंगा तो मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा इसलिए उन्होंने बच्ची हमको हमारी से कुछ ना करके अपना पल्ला झाड़ कर उसको एक मासूम बचाव कर लिया। एक मासूम को एक बाल शिशु गृह में क्या व्यवस्थाओं का आलम है वो हर किसी को जब जाहिर है। वहाँ बच्चों की मौतें हो चुकी हैं कोई परवरिश नहीं है और 48 घंटे 36 घंटे की बच्ची की वहाँ क्या परवरिश हो सकती है। कुल मिला के ये माना जाए कि सौदा सफल नहीं हुआ तो सिर्फ बाल शिशु के हवाले कर दिया पोल्ला कुल्ला। बिल्कुल सही बात यही है सबसे बड़ी बात यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है हमारा स्वास्थ्य विभाग इतना निकम्मा हम कह सकते हैं कि नर्सिंग होम उसका पालन नहीं करे। मैंने इस बारे में आज सुबह CMO से कहा उन्होंने कहा मेरी जानकारी मिली ये CMO डॉक्टर खन्ना से कहा उन्होंने कहा मैं नर्सिंग होम हुआ हूँ मैं पूछ आया हूँ जानकारी कराया हूँ उनको कहाया हूँ कि अपना रिपोर्ट मुझे दे दें। क्या मतलब है भाई डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहा कोई कहने को तैयार नहीं है। कुल मिला के डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर का जो पक्षधर है वो भी है और जो IMA बनी हुई है IMA भी जो है इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि हमारी सदस्य किस तरह का कुकर्म कर रहे हैं। उधर इस मामले को लेकर ब्रज नर्सिंग होम के डॉक्टर अवधेश अग्रवाल से जब बात की गई तो उन्होंने यही कहकर अपना पल्ला झाड़ा
कि कई लोग उस बच्ची को गोद लेने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे। बच्ची यहाँ रह गई, उनको उसके घर वाले छोड़ गए। उसको बाद लेकर कुछ बहुत सारी अफवाहें बातें आई कि बच्ची का सौदा किया जा रहा है या उसके घर वाले जो उसको छोड़ गए थे वो सौदेबाजी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है? एक तारीख की रात को 10 बजे एक दंपति हमारे यहाँ भर्ती हुआ। उसकी फिर डिलीवरी हुई रात को 11:40 पे। उसकी 5वीं बेटी पैदा हुई। हो सकता है 5वीं बेटी पैदा होने की वजह से वो थोड़े एनोड रहे, जो भी बात रही। उसके बाद सुबह जब स्टाफ ट्रीटमेंट देने गया तो 5 बजे बच्ची को पलंग पर छोड़ के वो परिवार गायब था। उन्होंने मेरे को सूचित किया, हमने उनका इंतजार किया। उन्होंने जो अपना मोबाइल नंबर फाइल पर लिखवाया था उस पर ट्रेस किया तो मोबाइल नंबर गलत था। शाम तक इंतजार किया, शाम तक लेने वालों के तांते लगे रहे। किसी शहर में पता लगी कि एक बच्ची लावारिश है, लेने वालों को तांते लगे रहे। कुछ लोग उसमें हमको धमकी भी दिए, कुछ ने छोर सिफारिश भी लगाई, कुछ ऐसे नातेदारियाँ भी थी, लेकिन हमने सबको दरकिनार कर दिया। उसके बीच में जितनी भी रूमर उड़े हुए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने शाम को कार्रवाई करते हुए सबसे पहले कोतवाली में इन्फॉर्म किया, डायरी दी कि ऐसे ऐसे बच्ची को छोड़ कर चले गए, अभी तक नहीं आए हैं। फिर सिटी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने DPO साहब को बताया कि उनके पास जाइए। फिर वहाँ से बाल कल्याण से टीम आई और उस बच्ची को यहाँ से लेकर गई, बाल कल्याण और पुलिस की कस्टडी। अच्छा, एक परिवार से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बच्ची उनको दे भी दी गई थी, 3-4 घंटे बच्ची उनके पास भी रही, लेकिन बाद में कहा उनके परिवार वाले जो बच्ची को छोड़ गए थे वो 25,000 रुपये मांग रहे हैं। ऐसा कुछ बात आई सामने? वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल, ग्राम अखा, गोवर्धन सौंप मार्ग, मथुरा। यहाँ आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। CBSE बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, NCC एवं NSS की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय। शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा, कुकिंग, जूडो, कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।